भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के घर पर पुलिस पहुंचती है, भगोड़ा होने का नोटिस चिपका देती है और इसके बाद यह खबर सभी छोटे बड़े न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन जाती है। नोटिस में कोर्ट और पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर अक्षरा कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती हो सकती है। अब इस पर न्यूज बनना तो सामान्य सी बात है। अक्षरा सिंह एक फेमस सेलिब्रिटी है, फैंस उनके बारे में जानना चाहते हैं तो न्यूज चैनल न्यूज बनाएंगे ही। लेकिन अक्षरा को यह बात रास नहीं आई, वो मीडिया पर ही सवाल खड़े करने लगी। वैसे भी भोजपुरी कलाकारों का यह इतिहास रहा है कि वो तुरंत मीडिया पर उंगली खड़े कर देते हैं। कल अक्षरा ने दो वीडियो डाला, एक वीडियो में वो एक चैलेंज पूरा कर रही है और दूसरे में मीडिया को ज्ञान दे रही है। अक्षरा ने पुलिस के नोटिस और गिरफ्तारी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दी है, मीडिया को उन्होंने क्या कहा, सब वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। कल सुबह से मीडिया ने अक्षरा सिंह के घर पर नोटिस और उनकी गिरफ्तारी को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी रही। खबर भी थी इतनी बड़ी कि हेडलाइन बन जाए। अक्षरा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी फैंस जानना चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी की खबर तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। इस खबर को बिहार और नेशनल मीडिया में भी न्यूज चैनल द्वारा खूब चलाया गया। दिन भर ये खबर मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही, फैंस द्वारा इसे खूब शेयर किया गया। उसके बाद शाम को अक्षरा सिंह का इस पर एक रिएक्शन आता है। अक्षरा ने वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो पोस्ट किया। पहले वीडियो में अक्षरा वर्कआउट करती नजर आ रही है। यह वीडियो किसी जिम का है जहाँ अक्षरा पसीने बहा रही है। वीडियो में अक्षरा अलग अलग कई एक्सरसाइज करती हुई दिखती है। ब्लैक शॉर्ट्स और ऑरेंज टॉप में अक्षरा बेहद हॉट लग रही है। अक्षरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, चैलेंज एक्सेप्टेड सलीम मर्चेंट सर, लेकिन शूटिंग की वजह से थोड़ी लेट हो गई। और सुनिधि चौहान मैम को भी ढेर सारा प्यार, #IAmBack। दरअसल 11 दिन पहले 1 नवंबर को बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सलीम मर्चेंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर किया था। वीडियो में वो वर्कआउट करते नजर आ रहे थे। जिम में वो अलग अलग एक्सरसाइज करके खूब पसीना बहा रहे थे। सलीम मर्चेंट ने इसके कैप्शन में अक्षरा को टैग किया और उन्हें एक्सरसाइज करके ऐसा ही वीडियो बनाकर डालने का चैलेंज किया। अक्षरा ने इसको पूरा किया और उसके बाद अक्षरा सिंह फिर एक स्टोरी डालती हैं और स्टोरी में वो जिम वाले कपड़ों में खाती हुई नजर आती हैं। वीडियो में अक्षरा कहती है, कहीं नहीं गई हूँ गाइज, यहीं पे हूँ, खाना खा रही हूँ, हद हाल है। साथ ही स्टोरी पर लिखा है कि आप लोग कुछ भी न्यूज बना देते हो। अब अक्षरा जी को कौन समझाए कि कुछ भी न्यूज नहीं बना है, दरअसल वो खुद ही कुछ भी बोले जा रही है। न्यूज तो वही बना है जो कोर्ट का आदेश था और उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की। अब अक्षरा जिम जाने, वीडियो बनाने के अलावा कोर्ट पहुंचने का भी समय निकाल लेती, कोर्ट पहुंचकर जमानत ले चुकी होती तो यह हेडलाइन कभी नहीं बनता, क्योंकि मामला तो लगभग 1 साल पुराना है। अक्षरा को 1 साल में याद नहीं आया और अब जब उनके लापरवाही की खबर बनी तो वो तुरंत ज्ञान देने पे उतर आई। मीडिया ने फरार होने के और गिरफ्तारी की बात इसलिए कही क्योंकि कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब पूरा मामला समझ लेते हैं। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के पटना स्थित घर पर पुलिस ने गुरुवार को एक नोटिस चिपकाया और उसमें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह नोटिस अगली सुनवाई में पेश होने के लिए चिपकाया गया है क्योंकि वह पेश नहीं हो रही थी। यह मामला वैशाली के लालगंज का है जहाँ अक्षरा बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के यहाँ एक कार्यक्रम में डांस करने गई थी। कार्यक्रम में जब अक्षरा डांस कर रही थी तो स्टेज पर बंदूकों से फायरिंग होती है। अक्षरा सिंह को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती और वो डांस करते रहती हैं। इसके बाद कार्यक्रम में फायरिंग का छोटा सा वीडियो क्लिप था सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अनु शुक्ला, अक्षरा सिंह और बॉडीगार्ड पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसमें बाकी लोग तो कोर्ट पहुंचकर अपना जमानत ले लेते हैं पर अक्षरा सिंह को टाइम नहीं मिलता और वो कोर्ट नहीं पहुंचती है, इसलिए अब कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है। दूसरी तरफ अक्षरा के वकील ने बताया कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे दिया है और यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। अक्षरा इस बार भी कोर्ट पहुंचते हैं या नहीं ये भी आगे पता चलेगा। अगर इस मामले से जुड़ी कोई भी नया अपडेट आता है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।